हेलो स्टूडेंट, टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर 4 डिवीज़न। के आज हम क्या स्टार्ट करेंगे? चैप्टर 4 डिवीज़न। इसके पहले आपने मल्टीप्लिकेशन किया ना, अब नेक्स्ट अपना क्या है? डिवीज़न। तो आज क्या स्टार्ट करेंगे? डिवीज़न। इक्वल शेयरिंग एंड इक्वल ग्रुपिंग। इसमें आप डिवीज़न में यदि आपको शेयर करना है किसी को कोई चीज़ या ग्रुप बनाने हैं, तो डिवीज़न की हेल्प से आप इजी वे पे उसको बहुत जल्दी कर सकते हो। देखो यहाँ पे एक आपको बुक में समझाने के लिए एक एग्जांपल दिया गया है। देयर आर 20 मफिन्स ऑल टुगेदर। ये टोटल कितने मफिन्स हैं आपको? 20 है ना। देखो काउंट करो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, है ना, 20 मफिन्स हैं। फिर जब इसको इक्वल आपको शेयर करना है, मींस इक्वली आपको इसको डिवाइड करना है, बांटना है कि ये कितनी कितनी आएंगी। तो सपोज़ आपके पास क्या है, यहाँ पे 4 प्लेट्स हैं। सो हाउ मेनी मफिन्स आर देयर इन ऑन ईच प्लेट? हर प्लेट में कितने मफिन्स आएंगे? तो आप क्या कर दोगे, टोटल आपके पास कितनी है? 20, और 4 आपके पास प्लेट्स हैं। तो आप क्या करोगे, 20 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 5, है ना। 20 को आप 4 से डिवाइड कर दोगे, क्योंकि आपके पास कितनी प्लेट्स हैं? 4 प्लेट्स हैं। तो आपके पास आ जाएगा, देयर आर 5 मफिन्स ऑन ईच प्लेट। मीन्स हर प्लेट में आपके पास कितने मफिन्स आ जाएंगे? 5 मफिन्स आ जाएंगे। ओके, फिर इक्वल ग्रुपिंग क्या होती है? मीन्स एक ग्रुप में आपके पास कितना हो रहा है, तो आप क्या करोगे, ईच प्लेट हैज़ 5 मफिन्स। हर प्लेट में कितने मफिन्स हैं? 5 हैं। तो हाउ मैनी प्लेट्स आर देयर इन ऑल? टोटल कितनी प्लेट्स हैं आपके पास? तो आप क्या कर दोगे, 20, और एक प्लेट में कितनी है? 5। तो आपको पता चल जाएगा 20 डिवाइडेड 5 इक्वल टू 4, मीन्स आपके पास कितनी प्लेट हैं? देयर आर 4 प्लेट्स ऑफ मफिन्स ईच, मीन्स हर प्लेट में आपके पास 5 मफिन्स हैं, है ना। तो इसी तरह ये आपका वी कैन राइट अ फैमिली ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न फैक्ट। इसमें आगे आपको मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के मैं फैक्ट भी बताऊंगी, ठीक है। अब चलते हैं, कुछ आपकी इसमें दी हुई है वर्ड प्रॉब्लम, है ना। सॉल्व द फॉलोइंग। 28 जेली बीन्स आर शेयर्ड इक्वली अमंग रीमा एंड हर टू फ्रेंड्स। सो हाउ मैनी जेली बीन्स डज ईच चिल्ड्रन गेट? मीन्स अब देखो, टोटल कितनी आपके पास जेली है? 18 जेलीज टोटल है आपके पास, जेली बीन्स आपके पास टोटल कितनी है? 18 है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है आपको, रीमा एंड उसके टू फ्रेंड्स में, मीन्स एक रीमा हो गई और उसके टू फ्रेंड्स, तो टोटल कितने हो गए? वो 3 हो गए। तो आपको बताना है कि उनके पास कितनी, तीनों के पास कितनी कितनी जेली बीन्स आएंगे। तो आप क्या कर दोगे, टोटल आपके पास 18 है, उसको किससे डिवाइड कर दोगे? 3 से, क्योंकि रीमा एंड टू फ्रेंड्स मीन्स 3 हो गए। तो 3 लोगों में आपको डिवाइड करना है, तो आपका क्या आएगा, 6। 18 डिवाइडेड बाय 3, मीन्स जब आप 18 को 3 से डिवाइड करोगे तो आपका क्या आएगा, 6, है ना। तो ईच चिल्ड्रन गेट 6 जेली। हर चिल्ड्रन के पास कितनी जेलीस आ जाएंगी? 6 जेली बीन्स आ जाएंगे। ओके, सेकेंड क्वेश्चन इज, जैसलिन ब्रेक 32 कुकीज, शी वॉन्ट टू पुट 4 कुकीज इन टू ईच बॉक्स, हाउ मैनी बॉक्सेज डज शी नीड? मीन्स जैसलिन ने 22 जो कुकीज़ हैं उनको बनाया, बेक किया, है ना। तो अब वो चाहती है कि 4 कुकीज़, मीन्स 4 कुकीज़ वो हर बॉक्स में रखना चाहती है। तो उसको ऐसे कितने बॉक्स की ज़रूरत पड़ेगी कि वो क्या करे, उसमें 4 कुकीज़ को रख ले, है ना। तो आप क्या करोगे, 32 डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि वो कितनी चाहती है कुकीज़ एक बॉक्स में रखना, 4 कुकीज़ रखना चाहती है ना। तो जब 32 को 4 से डिवाइड करोगे आप, तो क्या आएगा आपका, 8। अब डिवाइड कैसे करना है चिल्ड्रेन? तो डिवाइड आपको ऐसे करना है कि जैसे ये 32 है और यहाँ पे क्या आपका 4, तो 4 का टेबल आपको इतने टाइम्स पढ़ना है कि 32 आपका आ जाए, है ना। तो जब आप 4 का टेबल बोलोगे 8 टाइम्स, तो क्या आ जाएगा, 4 8 4 32, मीन्स क्या आ जाएगा यहाँ पे आपका 8। शी नीड्स
एट बॉक्सेस, उसको कितने बॉक्स की ज़रूरत होगी, एट बॉक्स की। यदि उसको एक बॉक्स में फोर कुकीज़ रखनी है तो 32 कुकीज़ के लिए उसको कितने बॉक्सेस की ज़रूरत होगी, एट बॉक्स की। ओके, मोहित हैज 20 फ्लावर्स, शी वॉन्ट टू पुट देम इक्वली इन 5 बॉक्सेस, हाउ मैनी फ्लावर्स विल देयर इन ईच बॉक्स। मीन्स मोहित के पास क्या है, 20 फ्लावर्स हैं और वो चाहता है उनको इक्वल 5 बॉक्सेस में रखना है ना। जैसे सपोज़ आपके पास 5 बॉक्सेस हैं और आप 20 फ्लावर्स हैं तो उनको इक्वल रखना चाहते हो आप, ऐसा नहीं किसी में कम किसी में ज़्यादा, इक्वल आपको रखना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड का एक ईजी अपन क्या समझ सकते हैं, अपनी जो जनरल लैंग्वेज होती है उसमें बांटना है ना। डिवाइड का मतलब बांटना, कि आपके पास 20 कोई चीज़ है और उनको आपको इक्वल डिवाइड करना है 5 पार्ट्स में, तो आप कैसे डिवाइड करोगे है ना। तो 20 है, 5 वॉसेज हैं, तो जब आप 20 को 5 से डिवाइड करोगे, मींस 5 का टेबल आपको इतने टाइम्स बोलना है कि 20 आ जाए, तो कब आएगा 5 का टेबल, 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15 एंड 5 4 20, 4 टाइम्स में आपका क्या आ गया, 20 आ गया। मीन्स आपको देयर विल बी 4 फ्लावर्स इन ईच वॉस, मीन्स आपके क्या आएंगे, हर वॉस में 4 फ्लावर्स आ जाएंगे। ओके चिल्ड्रेन, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और इसके बाद नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट आपको नॉर्मल डिवाइड करना सीखना है, तो उसके लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि क्वेश्चन क्या होता है, रिमाइंडर क्या होता है ना। सो आपको अभी इनकी वर्ड प्रॉब्लम जो है इनकी प्रैक्टिस करना है बेटा, और सिर्फ बुक में नहीं करना है ना, आपकी जो नोटबुक है कॉपी है उसमें भी आपको इसको लिख के और करना है, क्योंकि हो सकता है नेक्स्ट मंथ में आपके क्या होंगे, एग्ज़ाम होंगे। तो जब आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, पढ़ाई नहीं करोगे, तो ये आपको फिर नहीं बनेगा जब स्कूल ओपन होंगे है ना। सो आपको मोर देन मोर मीन्स बहुत ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ये नहीं सोचना है कि स्कूल नहीं लग रहे हैं तो पढ़ाई नहीं करनी है बेटा है ना। आपको स्कूल भले नहीं लग रहे हैं, लेकिन आपको घर पे ही टीचर्स हम लोग आपके लिए ही मेहनत कर रहे हैं, आपको वीडियो बना के भेज रहे हैं ताकि आप अपने टीचर्स को पहचानो है ना, और पढ़ाई कर सको। ओके, बाय बाय।